हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ संदर्भ स्किन वाइटनिंग क्रीम का। एंड ये भी जो क्रीम है ये बहुत ज़्यादा वायरल है। मैंने आपको बोला था प्रीवियस वीडियो में कि जो भी वायरल चीज़ें आएगी मैं उसका धीरे धीरे करके आपको अपडेट देती जाऊँगी एंड वो सारे प्रोडक्ट का रिव्यू देती जाऊँगी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ संदर्भ ब्यूटी स्किन वाइटनिंग क्रीम का, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल में है करंटली में। एंड इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है फॉर स्किन वाइटनिंग के लिए, फेयरनेस के लिए, स्किन को गोरा करने के लिए, स्किन टोन को बढ़ाने के लिए, स्किन को इन्हांस करने के लिए, ठीक है। सो जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो है ये प्रोडक्ट, जो कि है संदर्भ स्किन वाइटनिंग क्रीम। संदर्भ ब्यूटी का है ये, एक कोई लोकल सा ब्रांड है, वही ब्रांड का है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इस क्रीम के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ कि ये जो क्रीम है ये वर्क करता है या नहीं, क्या ये वर्थ इट है या नहीं, इसके जो भी क्लेम्स है कि ये 7 डेज के अंदर रिजल्ट देता है क्या वो सच है या नहीं, क्या आपको इस क्रीम को लेनी चाहिए या नहीं, मतलब A to Z इस क्रीम के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप इस क्रीम को लेना चाहते हो एंड यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल में एंड बहुत लोग उसको ले रहे हैं एंड यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप इस क्रीम को लेना चाहते हो तो मेक श्योर करना इस वीडियो को लास्ट तक देखना विदाउट स्किपिंग, स्किप बिल्कुल भी मत करना। A to Z इसके बारे में बताने वाली हूँ, प्लस आपको लाइव रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि ये जो है ये कैसा रिजल्ट देता है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसमें आपको क्लिक करना है। उसके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस जरूर करना ताकि मैं जितनी भी वीडियो डालू गाइस सबसे पहले आप तक पहुंचे गाइस एंड सबसे पहले आप देखो एंड सबसे पहले आप नोटिफाइड हो। इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दो क्योंकि बाद में हम लोग सच में भूल जाते हैं। चलो वीडियो को शुरू करो। ऑलराइट गाइस, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो ये आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। अभिगम्या लोशन था बिल्कुल वैसे ही पैकेजिंग में आया, बट यहाँ पे हल्का सा रेड कलर का लाइन दिया हुआ है जो कि अभिगम्या में नहीं था, बाकी ऑल ओवर बिल्कुल सेम है। बट ये जो ब्रांड है ये है संदर्भ ब्यूटी ब्रांड का एंड वो आई थिंक दूसरे ब्रांड का था, ठीक है। और वो जो था वो लोशन था और ये क्रीम है, स्किन व्हाइटनिंग क्रीम है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ उसकी प्राइस की तो ये मुझे मीशो पे 128 रुपीज का मिला विथ डिलीवरी चार्ज लगा करके। एंड आपको इसमें क्वान्टिटी आई थिंक 50 ml मिल रहा है, जो कि 50 ग्राम, सॉरी ml नहीं, ग्राम मिल रहा है, जो कि अराउंड 1 मंथ से ज़्यादा चलने वाला है, ठीक है। इसका क्लेम ये है कि ये 7 डेज के अंदर आपकी स्किन टोन को बढ़ाता है, स्किन को इन्हांस करता है, स्किन को फेयर बनाता है एंड स्किन व्हाइटनिंग का काम करता है। अगर मैं बात करूँ ये जो क्रीम है ये स्किन व्हाइटनिंग के साथ साथ और क्या करेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके क्लेम्स, लाइक बहुत सारे इसके क्लेम्स है। ये एंटी एजिंग पे भी वर्क करता है, एंटी टैन में वर्क करता है, ब्लेमिशेस को रिमूव करता है, स्किन के पोर्स को क्लीन करता है एंड आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है, स्किन पे ग्लोइंग लाता है, एक रेडियंट ग्लो देता है आपको, आपके स्किन को ब्राइटन करता है एंड ऑल्सो अगर आपके दाग धब्बे स्पॉट्स वगैरह है तो उसको ये कम करता है, ठीक है। सो ये ऑल ओवर स्किन से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसको भी क्लियर करता है एंड ऑल्सो ये स्किन व्हाइटनिंग का भी काम करता है। तो इसके जो भी क्लेम्स है वो यही है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि ये आपको कितने दिन तक रिजल्ट देगा, कितने दिन में रिजल्ट देगा, तो इसका क्लेम ये है कि ये 7 डेज के अंदर रिजल्ट देता है। इसके जो भी क्लेम्स है मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ कि 7 डेज यूज करने के बाद इसका रिजल्ट कैसा रहता है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ इसमें क्या क्या मिलाया गया है जो कि स्किन व्हाइटनिंग में एंड बहुत सारी चीज़ों में और ये वर्क कर रहा है, ठीक है। सो इसमें जो भी मैंने इंग्रेडिएंट लिस्ट देखा बिल्कुल वो अभिगम्या से बिल्कुल मैच है, लाइक थोड़े बहुत चेंजेस आपको दिखेंगे इंग्रेडिएंट लिस्ट में, बाकी जो भी है इसमें बिल्कुल अभिगम्या में जो मिलाया गया था वही सेम चीज़ इसमें भी मिलाया गया, लाइक ऑरेंज एप्पल एक्सट्रैक्ट मिलाया गया है, टर्मरिक है एंड बिटर है, मिल्क है, रोज है, वाटर है, ऑरेंज है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, कोकोनट है, सो बहुत सारी चीज़ें हैं और जो भी चीज़ें हैं वो नेचुरल साइड में। सो आपको बताऊंगा ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ या फिर टर्मरिक की बात करूँ तो वो स्किन को लाइटन करता है। अगर आप ऑरेंज को पीस करके देन अप्लाई करते हो रेगुलर बेसिस पे तो वो आपकी स्किन टोन को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, टैनिंग को रिमूव करता है बहुत अच्छे से। इवन टर्मरिक जो होता है वो टैनिंग में बहुत अच्छे से वर्क करता है, स्किन को लाइटन करता है, स्किन को ब्राइटन करता है एंड ऑल्सो स्किन को धीरे धीरे फेयर भी बनाता है। सो इसमें जो भी चीजें मिलाई गई है वो स्किन व्हाइटनिंग के लिए दी बेस्ट है। तो ऑल ओवर इसमें जो भी चीजें मिलाई गई है वो टैनिंग में अगर मैं बात करूँ, फेयरनेस की बात करूँ, स्किन को लाइटन करने की बात करूँ, स्किन टोन को बढ़ाने की बात करूँ, स्किन को फेयर बनाने की बात करूँ,
तो ये सारे चीज़ों में ये जो है वर्क करता है, ठीक है। इसमें ऐसी कोई भी अदर इंग्रेडिएंट नहीं मिलाई गई है जो कि स्किन व्हाइटनिंग का काम करता हो, जैसे कि ग्लूटाथियन हो गया, कोजिक एसिड हो गया या फिर अदर केमिकल चीज़ें। सो इसमें ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं मिलाई गई है जो कि स्किन व्हाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड स्किन व्हाइटनिंग के लिए ही है, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ें मिलाई गई बहुत ज़्यादा नेचुरल साइड में है एंड इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसको आपको कैसे अप्लाई करना है, तो आपको ये जो है अप्लाई करना है नाइट में। अब मैं बता दूँ ये जो क्रीम है क्या ये सच में वर्क करता है या नहीं, इसकी जो भी क्लेम्स है कि 7 डेज के अंदर रिजल्ट देता है वो रियल है या फेक। सो जब मैंने इसको 7 डेज तक रेगुलरली इस्तेमाल किया, मैं आपको बता दूं मैं राइट हैंड में मैंने इस हैंड पे इस्तेमाल किया था एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने इस हैंड पे इस्तेमाल किया है। सो इस बार मैंने इस हैंड पे इस्तेमाल किया एंड आपको मैं अब रिजल्ट दिखाऊंगी कि इसका जो रिजल्ट है वो रियल है या फेक है, इसके जो भी क्लेम्स है वो रियल है या फेक। जब तक आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, तो इस्तेमाल करके उसके बाद आपको बिल्कुल पता हो जाता है कि वो चीज़ें वर्क कर रही है या नहीं एंड जो भी चीज़ें जो भी क्लेम्स है उसको वो रियल है या फेक, ठीक है। सो अगर मैं डे वन की बात करूँ तो जैसे नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ वैसे ही कर रही थी। नाइट में मैंने इसको फॉलो किया है, हैंड को अच्छे से वॉश कर लिया एंड थोड़ा सा मैंने क्वांटिटी लिया, दिखा देती हूँ कितना लिया था, लाइक इतना ही लिया था मैंने एंड अच्छे से ले करके देन अच्छे से स्प्रेड करते हुए हैंड पे मसाज करके या लगा करके मैंने छोड़ दिया, ठीक है। ज़्यादा आपको मसाज नहीं करना है, हल्का सा लगा कर स्प्रेड करना ज़रूरी है ऑल ओवर हैंड पे लगा करके, देन आपको एटलीस्ट पूरे नाइट तक छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको सुबह नॉर्मल वाटर से धो लेनी है, ठीक है। एंड इसी तरीके से मैंने सेकंड डे भी इस्तेमाल किया, थर्ड डे एंड फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, सेवन डे, लाइक 7 डेज तक मैंने रेगुलरली इस हैंड पे इस्तेमाल किया। एंड मैं आपको बता दूँ जब मैंने इस्तेमाल किया तो स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड लग रही है। अगर मैं अभिगम्य की बात करूँ, कुलद्या स्किन व्हाइटनिंग क्रीम की बात करूँ, तो उससे भी ज़्यादा ये जो है ये हाइड्रेटेड है एंड बहुत ज़्यादा इसका फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा हार्ड साइड में, लाइक जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि आपने कुछ अप्लाई किया है, लाइक आपको पता चलेगा इसके स्मेल से। स्मेल थोड़ा सा हार्ड साइड में है ये बोल सकती हूँ, बट हाँ आपके स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही थी इसको लगाने के बाद। नाउ अगर मैं पॉइंट की बात करूँ कि ये स्किन व्हाइटनिंग में वर्क किया है या नहीं किया, तो ये जो है ये 7 डेज तक यूज़ करने के बाद कोई रिजल्ट नहीं देता है, ना ही स्किन को फेयरनेस बनाता, ना ही स्किन टोन को बढ़ाता, ना ही स्किन व्हाइटनिंग करता, ना ही दाग धब्बे को कम करता है, ना ही टैनिंग को रिमूव करता है। सो फिलहाल के लिए इसके जो भी क्लेम्स है कि ये स्किन व्हाइटनिंग करता है, स्किन को फेयर बनाता है, स्किन टोन को बढ़ाता है, स्किन को इन्हांस करता है, दाग धब्बे को कम करता है, टैनिंग पे, पिगमेंटेशन पे, बहुत सारी चीज़ों जो भी इसके क्लेम्स है वो बिल्कुल यू नो फेक है, क्योंकि 7 डेज के अंदर इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। अगर मैं बात करूँ 1 मंथ तक क्या ये रिजल्ट देगा या नहीं देगा, तो ये आपको अपडेट के बाद ही पता चलेगा कि आफ्टर यूजिंग 1 मंथ कैसा ये रिजल्ट देता है। बट फिलहाल के लिए 7 डेज तक के अंदर ये कोई रिजल्ट नहीं देता है एंड आई थिंक 1 मंथ टाइम देनी चाहिए कोई भी प्रोडक्ट में उसको वर्क करने के लिए, ठीक है। तो मैं फिर से अपडेट दूंगी आफ्टर यूजिंग 1 मंथ एंड ये लाइव रिजल्ट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग इसको ले रहे हैं एंड बहुत लोग इसको यू नो ट्राई कर रहे हैं एंड बहुत लोगों का पैसा भी वेस्ट हो रहा है क्योंकि वो प्रॉपर से रिव्यूज़ को देखते नहीं हैं, यू नो सुनते नहीं हैं, स्किप कर करके वीडियो देखते हैं एंड जाके बाय करने लगते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसेंट प्राइस में भी है। 150 रुपीज़, 120 रुपीज़ आई थिंक सभी अफोर्ड कर सकते हैं एंड खास करके जिनको स्किन को यू नो फेयर बनाना हो वो तो बिल्कुल कर देंगे। सो बहुत लोग ले रहे हैं एंड बहुत लोग फंस भी रहे हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो बेटर यही होगा कि आप जो है कोई चीज़ लेने से पहले उसका रिव्यू देखें, अच्छे से समझें उसके बारे में, उसके बाद लें, ठीक है। सो ये फिलहाल के लिए वेस्ट ऑफ मनी है एंड जो भी वायरल प्रोडक्ट है मैं देख रही हूँ बहुत अभी यू नो वायरल में चीज़ें जा रही है मीशो में की अगर मैं बात करूँ, खास करके मीशो के प्रोडक्ट, मतलब सभी प्रोडक्ट ही वायरल में जा रही है धीरे धीरे करके एंड मैं हर एक प्रोडक्ट का आपको रिव्यू दे रही हूँ ताकि आप अवेयर हो इस टाइप की प्रोडक्ट देख करके एंड यू नो रिव्यूज़ देख करके या फिर शॉर्ट वीडियो में आप देखे होंगे कि बिफोर एंड आफ्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाया जाता है, आपकी स्किन बिल्कुल ब्लैक है एंड यूज़ करने के बाद बिल्कुल वाइट हो जाती है सॉरी। तो इस तरीके से आपको जो है अट्रैक्ट किया जाता है एंड लोगों को लेने के लिए यू नो अट्रैक्ट किया जाता है ताकि इस टाइप की वीडियोज़ देख के लोग ले एंड उनका सेल ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो उनका, ठीक है। सो इसको फिलहाल के लिए आपको नहीं लेना है, 1 मंथ बाद फिर से अपडेट आएगा उसके लिए आप वेट कर लेना, ये वेस्ट ऑफ मनी है। मुझे बिल्कुल सिमिलर लगा कोलद्या वाला था, वो भी बिल्कुल सिमिलर लगा एंड अभिगम्य भी बिल्कुल सिमिलर एंड ये भी बिल्कुल सिमिलर ही लगा, इसमें कोई भी चेंजेस मुझे नहीं लगी।
ना ही कुछ ऐसा रिजल्ट मुझे दिखा इसको यूज करने के बाद। ऑलराइट गाइस, तो यही है इस प्रोडक्ट के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको ए टू जेड बता दिया इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज हो, कोई चीज पूछनी हो, कोई चीज मैंने मिस कर दिया इस वीडियो में, तो आप मुझे कॉमेंट करो, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसमें आपको क्लिक करना है एंड उसके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस जरूर करना ताकि मैं जितनी भी वीडियोस डालूंगा इस सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, इस सबसे पहले आप देखो एंड सबसे पहले आप नोटिफाइड हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे ही वीडियोज मेरे चैनल पर आते रहते हैं। और आपको मे बी इस वीडियो को देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो क्वालिटी बहुत अच्छा लग रहा था एंड धीरे धीरे करके डाउन होते गया क्योंकि बारिश होने वाली इसके वजह से, और जिसके वजह से लाइटनिंग का थोड़ा इशू हो गया। सो प्लीज़ इसको स्किप कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।